लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8। और हम एक और वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं आज। सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। वन नंबर एक्सीड्स द अदर नंबर बाय 15। फाइंड द नंबर्स। हमें दो नंबर्स का सम दे रखा है और हमें वो दोनों नंबर्स निकालने हैं। तो और दूसरा जो नंबर है, एक नंबर दूसरे नंबर से 15 एक्सीड्स, मतलब ज्यादा है। तो हम पहले अज्यूम करते हैं, एक नंबर को x मानते हैं। लेट वन नंबर बी x, देन अदर नंबर विल बी x प्लस 15 एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर दोनों नंबर का सम जो है वो कितना आ रहा है 95, तो वन नंबर इज x एंड द अदर नंबर इज x प्लस 15। सो x प्लस 15, द सम ऑफ टू नंबर, फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर गिव्स 95। अब हम इसको सॉल्व करेंगे ट्रांसपोजिंग मेथड यूज करके। 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। 2x इज इक्वल टू 95, प्लस के 15 है, ट्रांसपोजिंग हो जाएंगे, माइनस 15 एंड x इज इक्वल टू 80। x इज इक्वल टू 80 अपॉन 2 गिव्स 40। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 40, तो वन नंबर इज 40 एंड अदर नंबर वाज 40 प्लस 15 गिव्स 55। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम एक और वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, व्हाट आर दीज इंटीजर्स। सो हमें पहले ये बताना चाहिए कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स होते क्या है। इंटीजर्स जो कि लगातार आने वाले होते हैं, जैसे 1 के बाद 2, 3, लगातार आने वाले कोई भी 3 नंबर्स, सपोज दे आर नॉट 1, 2, 3, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, 15, 16, 17 या 23, 24, 25, वी डोंट नो। तो हमें बस ये पता है कि वो 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। सो लेट वन इंटीजर बी एक्स, अगर एक इंटीजर एक्स है, सो अदर टू, सो नेक्स्ट टू इंटीजर्स विल बी एक्स प्लस 1। हमें पता है नेक्स्ट नंबर प्रीवियस नंबर से एक ज्यादा होता है एंड उससे अगला x प्लस 2। क्लियर, 2 जो है 1 से एक ज्यादा होता है, तो x है तो उसका अगला x प्लस 1 और उससे नेक्स्ट x प्लस 2। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तीनों का जो है एड अप टू मींस तीनों का सम 51 के इक्वल आता है। सो x प्लस फर्स्ट इंटीजर एंड सेकंड इज x प्लस 1, सेकंड इंटीजर एंड थर्ड इज x प्लस 2 एंड देयर सम कम्स 51। नाउ 1, 2, 3, 3x प्लस 1 प्लस 2 3 गिव्स 51। 3 जो है प्लस का है, ट्रांसपोजिंग होगा, 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 3, x इज इक्वल टू 51 में से 3 गए 48 एंड x इज इक्वल टू 48 अपॉन 3। 48 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 3, 1, 3, 3, 6, 18। तो हमारे x की वैल्यू जो फर्स्ट इंटीजर था वो क्या आ गया हमारा, दैट इज 16। सो अदर इंटीजर्स x प्लस 1, सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 16 प्लस 1 17 एंड द नेक्स्ट वन x प्लस 2 इज इक्वल टू 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। तो हमारे तीनों इंटीजर आ गए 16, 17 एंड 18। 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स आर 16, 17 एंड 18। और हम इसको चेक भी कर सकते हैं, तीनों को प्लस करेंगे, अगर आंसर 51 आता है तो हमारा आंसर करेक्ट है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।